दोस्तों आज हम एक ऐसे मल्टीवेगर स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका दोस्त यहां पर नेम देख सकते हो बोरोसिल रिन्यूएबल है। कंपनी का स्टॉक का प्राइस 526 रुपीज़ के प्राइस में है। ऑलमोस्ट 4000 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। इसका रिटर्न यहां पर देख ही सकते हो कि कैसा है। इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए ना तो कंपनी जो है ग्लास सेक्टर में काम करता है, रिन्यूएबल का ही है। मार्केट साइज देख सकते हो, एंटरप्राइज का वैल्यूएशन, नंबर्स ऑफ शेयर्स देख सकते हो कि क्या है, कंपनी का पीई देख सकते हो, पीबी देख सकते हो, फेस वैल्यू देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू एंड कैश कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास वो भी देख सकते हो, एंड कर्जा कितना है देख सकते हो, प्रोमोटर होल्डिंग, ईपीएस, सेल्स में ग्रोथ, आरओई आरओसी में ग्रोथ कैसा है वो देख सकते हो, बट प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ा सा डाउनफॉल में है। इस कंपनी का स्टॉक के बारे में अगर कहा जाए तो ये स्टॉक 12 इंडेक्स में कहा जाए तो प्रेजेंट है एट द प्रेजेंट मोमेंट। एंड इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए ना तो सेल्स में ग्रोथ देख सकते हो कि कैसा है यहाँ पर, प्रॉफिट आरओई आरओसी में ग्रोथ डाउन में है, ठीक है। इस कंपनी का बाकी यहाँ पर रिटर्न देख ही सकते हो कि कैसा है। देन यहाँ पर कहा जाए ना दोस्त इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसका अगर कहा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि क्या है, 61.62% का। देन यहाँ पर देख सकते हो तो 0.02% का शेयर्स जो है सेल हुआ है प्रमोटर का, एंड पब्लिक के पास, एफआईआई के पास एंड डीआईआई के पास कितना होल्डिंग है देख सकते हो यहाँ पर। क्वार्टरली बेसिस में कहा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके का इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। तो अभी के टाइम पर कहा जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है लास्ट 2 क्वार्टर में प्रॉफिट जो है नेगेटिव में था, ठीक है। देन इस कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो पिछले ईयर के मुताबिक हाफ हुआ है, ठीक है, इस ईयर में। एंड इस कंपनी का अगर कहा जाए तो बोरोइंग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा सा कर्जा जो है इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हो। इस कंपनी का अगर कहा जाए ना दोस्तों तो कॉरपोरेट एक्शन का अगर कहा जाए तो देख सकते हो 65 पैसा है, 2 रुपीज़ 50 पैसा, 25 रुपीज़ का डिविडेंड था, बोनस था दोस्त 2018 साल में 3:1 रेशियो का, राइट्स इशू नहीं है। एंड स्टॉक स्प्लिट देख सकते हो 2017 साल में एक बार हुआ था, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया था। इस कंपनी का यहाँ पर प्रमोटर का नेम देख ही सकते हो कि कौन कौन से है, एंड इन्वेस्टर का भी नेम देख सकते हो। तो दोस्त ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और ऐसे रिटर्न देने वाला स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।